पेरुवियन जंगल के अंदर कहीं पर, जहां पर हॉक गर्ल और हॉकमैन दोनों ही अपने पुराने बोन्स के जरिए बनाए गए उस गेट के सामने थे, जहां पर हॉकमैन कह रहा था, इसीलिए मैं अपने पिछले बोन्स कहीं पर ढूंढ नहीं पा रहा था जो कि कष्ट के दौरान गायब हो चुके थे। हाथ सेट ने उन्हें एक साथ करके इसे फॉर्म किया है। तभी हॉक गर्ल कहती है कि ये वॉर्म है और इससे वाइब्रेशंस निकल रहे हैं किसी तरह के इंटरनल एनर्जी के, और ऐसा लग रहा है कि एक एक बोन खुद को एब्जॉर्ब कर रही है किसी तरह के पीस ऑफ पजल के दौरान। तभी हॉकमैन कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि 100 डिफरेंट कीज 100 डिफरेंट लॉक्स में फंसी हुई हो। और तभी हॉक गर्ल कहती है, हाँ, और इसी के साथ मिलकर बना है ये गेट, ये डोरवे, लेकिन ये जा कहाँ पर रहा है? तभी हॉकमैन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि क्लॉ ऑफ हॉरस को पता है और इसी वजह से वो यहाँ पर आया है। लेकिन अभी भी दो चीजें इस गेट से मिसिंग है, खुफू और चायरा के बोन्स। और वो दोनों ही आगे बढ़े रहे थे कि तभी हॉक गर्ल कहती है, कार्टर, हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हाथ सेट भी खत्म हो जाएगा, वो यही कहीं पर अंदर फंस के रह जाएगा। मेरे ख्याल से वो इसी गेट के अंदर होगा। तभी हॉकमैन कहता है, तुम बात क्या कर रहे हो शायरा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए वो कहां तक पहुंच चुका है? इससे पहले कि वो हमें मार दे, हमें उसे मार देना होगा, ये इतना ही सिंपल है। इस पर हॉक गर्ल कहती है, हाँ ये बहुत सिंपल है, जैसे कि इस गेट को तबाह करो और चलो यहाँ से हमारी अपनी जिंदगी में। इस पर हॉकमैन कहता है, तुम्हें लगता है कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो बिना किसी लीड या फिर बिना किसी मतलब के हो सकती है शायरा? जिस पर शायरा कहती है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहे और जब हमारे पास चांस है तभी हम यहाँ से निकल जाए। जिस पर हॉकमैन कहता है, तुम इतनी दूर आकर गिव अप कैसे कर सकती हो शायरा, हम उसे मारकर इस सब को एक साथ ही खत्म कर सकते हैं। जिस पर शायरा कहती है, अगर यही तुम्हारा फाइनल डिसीजन है तो मैं हमेशा की तरह तुम्हारे साथ हूँ। और तभी क्लॉ फॉरस में सेट हुए उस बोन की तरफ देखते हुए शायरा और हॉकमैन दोनों ही कह रहे थे, तो ये क्रिस्टलाइज्ड बोन स्टार सफायर ने जो मुझे दिया था, जो कि अभी इस क्लॉ से अटैच्ड है, वो इसी वजह से वाइब्रेट होकर यहाँ पर आ रहा था और इसी गेट में रिकनेक्ट होना चाहता था। तो चलो इसी के साथ हम अपनी पहली बोन्स को भी ढूंढ निकालते हैं जो कि इसमें फिट होनी चाहिए, और वो दोनों ही अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिस पर शायरा कहती है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हाथ सेट यहाँ पर आकर हमें मारने की कोशिश नहीं करेगा और उस कर्ज को फिर से दोहराएगा नहीं? जिस पर हॉकमैन उसे कहता है, ये पता लगाने का एक ही तरीका है, उससे पूछ लेते हैं चलो। तब शायरा कहती है, तुम्हें लगता है कि ये गेटवे हमें अंदर जाने देगा? जिस पर हॉकमैन कहता है, मुझे सिर्फ लगता नहीं बल्कि पूरा यकीन है, क्योंकि ये सारी बोन्स हमारी ही है, इसी वजह से हमारे पास ऑल एक्सेस पास है। और वो दोनों ही उस डोरवे के अंदर एंटर हो जाते हैं, और उस डोरवे के अंदर एंटर होते ही उन्हें अपने पुरानी जिंदगी याद आने लगती है, पहले जन्म से लेकर अब तक के, जिसमें हाथ सेट ने उन्हें मार डाला था। वो पेन वो महसूस कर रहे थे, वो चीखना चिल्लाना उनके आंखों के सामने गुजर रहा था। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तब हॉकमैन पूछता है, हम आखिरकार दूसरी साइड आ ही गए, तुम ठीक हो? जिस पर शायरा कहती है, मुझे लग रहा था कि हम उस पेन से बार बार गुजर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम उसे पार कर गए। तभी वो सामने देखते हैं कि ये आखिर है क्या। जिस पर शायरा कहती है, मुझे लगता है कि हम पेरू में हैं। तभी हम देखते हैं उठते हुए पर्वत, और इसी के साथ आज का एपिसोड शुरू होता है जिसका नाम है थ्रीशोल्ड्स। एक बार जो 11 विलन्स और हीरोज मर चुके थे वो रेजरेक्ट हो चुके हैं एक ऐसी रोशनी के साथ जो कि डीप अर्थ से आई है, और उसी के साथ वो सभी वापस आ चुके हैं। लेकिन ये अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है कि वो आखिर वापस आए क्यों, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि ये है ब्राइटेस्ट डे। दोस्तों आपका स्वागत है हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, और मैं जानता हूँ कि वीडियो डालने में काफी देर हो चुकी है, लेकिन मैं अपने तरफ से आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी दरमियान मुझे आप लोगों का प्यार और गालियां दोनों मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जॉर्ज टाउन, जहाँ पर टफ सो रही थी, और तभी वहाँ पर डेड मैन टेलीपोर्ट होता है अपनी रिंग के साथ बहस करता हुआ, जहाँ पर वो कह रहा था, मैं थक चुका हूँ ये करते करते, और अब मैं इस लड़की के बेडरूम में कर क्या रहा हूँ, ये स्मेल जानी पहचानी है। और तभी डव उठकर उस पर हमला कर देती है, जिस पर डेडमैन कहता है, तुम मुझे देख सकती हो? इस पर डव का कहना था, हाँ मैं तुम्हें देख सकती हूँ, लेकिन तुम हो कौन? इस पर डेडमैन कहता है, मेरा नाम है बोस्टन ब्रांड। इस पर वो कहती है, डेडमैन, हाँ मैं डेडमैन हूँ, लेकिन तुम हो कौन? तभी डव ट्रांसफॉर्म होकर बताती है वो डव है, डव यानी कि डॉन ग्रेंजर, अवतार ऑफ पीस, जिसकी
पावर से इंटेलिजेंस, ग्रेट स्ट्रेंथ और फ्लाइट। यहाँ पर डवो से पूछती है, लेकिन तुम तो एक इनविजिबल स्पिरिट थे जो कि किसी को भी पजेस कर लेते थे दूसरों के साथ कॉन्टेक्ट करने के लिए। इस पर डेडमैन कहता है, हाँ वो मेरा ओल्ड एमो था, लेकिन अब नया वाला है कि मैं सबको डिटरमाइन करता फिरता हूँ। लेकिन तुम मेरी तरफ ऐसे देख क्यों रही हो? इस पर डव कहती है, डॉक्टर फिट ने तुम्हारे बारे में कुछ कुछ बताया था, लेकिन सभी लोग ये नहीं जानते कि तुम दिखते कैसे हो। और वैसे भी जब से सब लोग वापस आए हैं, तब से मैं हॉक को शांत करने में ही लगी हुई हूँ। जिस पर डेडमैन कहता है, हाँ वो तो तुम्हारा फुल टाइम काम होगा, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि रेड रिंग ने उसे क्यों नहीं चुना। इस पर उसकी तरफ देखते हुए डव कहती है, व्हाइट रिंग तुमने अभी भी वो पहनी हुई है। इस पर वो कहता है, हाँ और मैं अकेला ही बचा हूँ इसके साथ। आगे डव कहती है कि जस्टिस लीग तुम्हें ढूंढ रही थी और वो तुम्हें कुछ काम ऑफर करना चाहती है जो कि उन्होंने हॉक को किया था, और वो काम था डॉक्यूमेंटेशन का। तभी डेडमैन उसे कहता है, और अगर मैं उसे करने से मना कर दूं तो? लेकिन तब तक हॉक वहां पर आ चुका था जो कि अवतार ऑफ वॉर था और जिसका नाम था हैंक हॉल, जिसकी पावर्स थी एनहांस्ड विजन्स, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, बॉडी डेंसिटी और हीलिंग फैक्टर। और वो बिना कुछ सुने डेडमैन पर हमला करने लगता है और उसे दीवार में धसा कर वार पर वार करने लगता है। लेकिन तभी उसे डव रोकने लगती है। इस पर हॉक कहता है, मैंने तुम्हें चेंज हुआ महसूस किया और मुझे लगा तुम ट्रबल में हो, इसीलिए मैं ट्रबल देने चला आया। इस पर वो कहती है, नहीं ये डेडमैन है, मैं ट्रबल में नहीं हूँ। तभी उसकी तरफ देखते हुए हॉक कहता है, क्या ये डेडमैन है? और उसे छोड़ते हुए वो कहता है, तो फिर ये सुबह 3 बजे तुम्हारे बेडरूम में कर क्या रहा है? तभी डेडमैन उससे कहता है, टाइम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, जब से मैं मर चुका हूँ तब से, या फिर जब से मैं वापस आया हूँ तब से। इस पर वो कहता है, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तुम कुछ समझ में आए ऐसा बोल सकते हो? इस पर वो कहता है, हाँ मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे दीवार में ना घुसाओ तो। तब वो बताने लगता है, कुछ दिनों पहले मैं भी बाकियों की तरह ही वापस आया और मुझे एक डेड बेबी बर्ड मिला, और तभी व्हाइट रिंग चमकने लगी और उस बर्ड को फिर से वापस लेकर आ गई, और तब से वो मुझे यूनिवर्स के फील्ड ट्रिप पर यहाँ से वहां पटक रही है, जहाँ पर अभी अभी कुछ लोग रिजरेक्ट हुए थे। और इसी दरमियान स्टार सिटी का वो फॉरेस्ट वाला हादसा हुआ, जिस पर डव कहती है, फॉरेस्ट वाला हादसा तुमने किया? तुमने एक रात में वो सब कुछ खड़ा कर दिया? वो कहता है, मैंने या फिर व्हाइट रिंग ने, पता नहीं। इस पर वो कहती है, लेकिन क्यों, इसका क्या कोई मतलब है? इस पर वो कहता है, मुझे तो लगता है कि इसका कोई ना कोई मतलब होगा, लेकिन रिंग ने कुछ बार मुझसे ये कहा था कि हेल्प मी लाइव, मुझे जिंदा करने में मदद करो। इस पर डव कहती है, किसे जिंदा करने में? इस पर हॉक कहता है, किसे पड़ी है, हमें फॉरेस्ट नहीं, हमें पेड़ गिनने चाहिए। इस पर डेडमैन कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? इस पर हॉक कहता है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास कुछ काम है तुम्हें और व्हाइट रिंग को करने के लिए। तभी सिल्वर सिटी में हम देखते हैं कि एक कपल आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर लड़की उसे कह रही थी कि चलो स्विम करते हैं, लेकिन वो कह रहा था, नहीं मुझे स्विम नहीं आती और मैं यहाँ पर स्विम करना भी नहीं चाहता। और तभी वो लड़की अपने कपड़े उतार कर जंप करने वाली होती है कि तभी उसे कुछ दिखता है, और लड़खड़ाकर वो गिरने ही वाली होती है कि तभी लड़का उसे संभालता है। तभी वो दोनों नीचे देखते हुए कहते हैं कि यहाँ का पानी चला कहाँ गया, जब मैं पिछली बार यहाँ पर आई तब यहाँ पर पानी था। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर सूखी हुई जमीन, जहाँ पर दो फिशेस मरी हुई थी। दूसरी तरफ बरमुडा ट्रायंगल में हम देखते हैं कुछ अनहोनी घटनाएं, जहाँ पर कुछ कोस्ट गार्ड्स कुछ लोगों को बचाने के लिए आए थे, जहाँ पर वो कहते हैं टावर से हमारा कॉन्टेक्ट खो चुका है और यहाँ पर लगता है कि प्लेन गिर चुका है। और तभी हमें एक कपल दिखता है पूरी तरह से डिहाइड्रेट बॉडी के साथ, एक जॉम्बी टाइप में, जिस पर वो कहते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। तब एक ऑफिसर कहता है वो बुरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुके हैं, और तब वो अपने कैप्टन को इन्फॉर्म करते हैं कि पानी में कुछ है। और तभी कुछ अटलांटियंस ऊपर के लोगों को मारने के लिए आ रहे थे और उन्हें लीड कर रही थी एक वुमन, जो कह रही थी मार दो उन सबको और उन्हें तकलीफ होनी चाहिए। पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में यहाँ पर बच्चे पार्टी एंजॉय कर रहे थे और रॉनी अपने बिस्तर में सो रहा था, जहाँ पर कोई उसे पुकारता है और कहता है, उठो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और तब जॉनी अपने सामने देखता है जैसन की गर्लफ्रेंड को, जो कह रही थी कि क्या तुम्हें मेरा नाम अभी भी याद है। और तब हम देखते हैं कि वो शॉर्ट फॉर्म में थी, जैसा कि रॉनी ने यानी कि ब्लैक लैंटर्न फायरस्टॉर्म ने उसे बनाकर मारा था, और वो उसका गला दबाने लगती है और तभी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और एक लड़का उसे बुलाने के लिए आता है और रॉनी के ऊपर सॉल्ट देखकर वो उसे पूछता है, तुम आखिर इतने सारे नमक के साथ कर क्या रहे थे? तभी चेसन के अंदर हम बदलाव देख सकते हैं, यहाँ हम देखते हैं 3 लोगों के कदमों को, डव, हॉक और डेडमैन, जो आपस में बात कर रहे थे कि
कि तुम्हें लगता है कि ये एक गुड आइडिया है डेडमैन से जो तुम करवाना चाहते हो, क्या हमें उससे पहले ग्रीन लैंटर्न या फिर सुपरमैन से पूछना नहीं चाहिए? जिस पर हॉक कहता है, और वो यहाँ पर आकर करेंगे क्या, मुझे रोकेंगे? क्या मैं अकेला सुपर हीरो हूँ जिसे पेयर चाहिए? पर तभी हम देखते हैं व्हाइट रिंग को चमकते हुए, क्या पर वो कह रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं है कि व्हाइट रिंग ये असलियत में कर सकती है या नहीं। तभी हॉक कहता है उसने पूरा फॉरेस्ट ग्रो कर दिया एक डेड जोन में, एक डेड बर्ड को फिर से जिंदगी में लेकर आए, ये फिर से जिंदगी वापस देती है, तो डेड मैन इसे करो। और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों ही खड़े थे डोनाल्ड हॉल यानी के पुराने डव के स्टैचू के आगे, जहाँ पर हॉक उसे कह रहा था ब्लैक रिंग मेरे भाई को वापस नहीं ला पाई लेकिन व्हाइट रिंग ला सकती है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर इंटरेस्टिंग जानकारी है तो भी मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।